नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज। आज पूरे देश में राष्ट्रीय पर्व के रूप में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया, जहां विद्यालयों में शिक्षक एवं छात्र छात्राओं में एक नई ऊर्जा देखने को मिली। आप लोगों को बताते चले कि फतेहपुर जनपद में सौहार्दपूर्ण वातावरण में 15 अगस्त का जश्न मनाया गया, जिसमें सभी विभागों में तिरंगा फहराया गया और सभी विद्यालय के भैया बहनों ने प्रभात फेरी निकाली, जहां बच्चों को गर्मी को देखते हुए समाजसेवी अजय त्रिपाठी अंबे मेडिकल की ओर से पानी बिस्कुट का वितरण किया गया और शिव किराना स्टोर की ओर से पूरे दिन भंडारे का प्रसाद वितरित किया गया और विद्यालयों में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें कमला बालिका इंटर कॉलेज, सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज, रमेश कल्याणकारी जेएस कॉन्वेंट विद्यालय, सुखदेव इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, फतेहपुर जनपद का गौरव बढ़ाया देशभक्त शिवकरण, जो तीनों सेनाओं की सलामती के लिए और देश के शहीदों की याद में कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल यात्रा कर रहे हैं, जो आपके फतेहपुर जनपद बिंद की तहसील औंध थाना क्षेत्र खरौली गांव रहने वाले पूरे देश में वृक्षारोपण कार्य भी करते हुए कन्याकुमारी पैदल यात्रा कर रहे हैं। आए सुने क्या कहा देशभक्त शिवसेवक वैष्णोदास शिवकरण ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट, उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। आशा है कि आप सभी वाहन भाई साहब इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग करें। आप ही लोग के बच्चों की प्रभात फेरी है। 15 अगस्त 1947 को अपना भारत देश छोटे भैया बहनों के द्वारा आप सबके सामने प्रभात फेरी के रूप में आयोजित है। एक अपना मत है और बोलते हैं, मैं भारत वर्ष का हरदम अमित सम्मान करता हूँ। मैं भारत वर्ष का अमित सम्मान करता हूँ। यहाँ की चांदनी जलखल वायु सेवाओं के लिए देवी सुरक्षा शक्ति की कामना को लेकर नीम पीपल बरगद आम आंवला श्रद्धांजलि रूप लगवा के हुए सामूहिक प्रार्थनाएं करके आपके जम्मू कश्मीर 30 नवंबर 2022 नीलम घाटी मचेल बॉर्डर, जो चाइना बॉर्डर का इलाका, वहां पहुंचकर अब आपके कन्याकुमारी की ओर चल रहे हैं। 15 अगस्त वो 1947 का दिन है आजादी काल का, कि जिसमें लाखों करोड़ों अजन्मा कई बच्चों ने अपनी माओ की कोख में जीवन भागा, शहीदों भी बलिदानियों ने अपना जीवन जो है नौछावर कर दिया, बलिदान दे दिया।
किसके लिए? भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए, माँ भारती की आजादी के लिए, परंतु वो आजादी कायम न रही। कहीं ना कहीं आज माँ भारती के पैरों में और हाथों में करप्शन रूपी बेड़ियां हथकड़ियां जकर दी गयी। इनसे नौजवानों को जगाना है कि नौजवान भाइयों जगो, आप नशे से निकलो, कहीं ना कहीं ऐसे बनो कि मरना है तो मरो राष्ट्रहित। ऐसे मायने में क्या रखा है, ये भारत माँ भी गर्व करे कितना प्यारा मेरा बच्चा है। अमर शान पहचान हो माँ तुम्हारी, ये बलिदान कर जाए तंगबंग पुजारी। गंगा और यमुना में सरयू के जैसे चले संग नाम तुम्हारे हमारा। जय वीरों की जंगी, जय कर्मे की धारा, तुम्हें मातृभूमि नमन है हमारा, तुम्हें मातृभूमि नमन है हमारा। यही कहना कि नौजवान भाइयों जागो और जगह ये देखो कि अच्छा क्या हो रहा है और बुरा क्या हो रहा है। वो वीर बलिदानियों को याद कर, उनको नमन कर, देश के लिए माँ भारती की आजादी के लिए पुनः तुम्हें हम सब लोगों को ही खड़ा होने पड़ेगा। और इस करप्शन रूपी बेड़ियों से, इस भ्रष्टाचार रूपी हथकड़ियों से माँ भारती को आजाद कराना होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माता की।